डबल सरकार है, लेकिन नीतीश जी नीचे का इनका रिंग डाउन हो गया है, ऊपर जो है मोदी जी का हेड गंदा हो गया है। गरीब से तब सस्ते नहीं गिरा रहा है, इतना महंगाई हुई सी। पेट्रोल नहीं भरा रहा है, इतना महंगाई सी। डीजल नहीं भरा रहा है, इतना महंगाई सी। अब महंगाई से चल जाए, गरीब मर जाए, क्या करे। लाल बाबू गुप्ता जो चूड़ी पहन कर अपने घर में बैठे हुए है, आके देखिए अभी ब्लॉक बलाई रोड जो है, हम लोग इतना कादो फेल कर जाते हैं, अपने दुकान पर से जाते हैं घर। आज सिर्फ तिरैया प्रखंड ही नहीं, पूरे बिहार के पैमाने पर हमेशा जब भी गरीब के समस्या होता है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने आवाज़ उठाने का काम किया। आज बिहार की स्थिति बद से बदतर हो गया है, महंगाई बढ़ गई है, हत्या बढ़ गया है, लूट बढ़ गई है, ब्लॉक में घपला ही घपला है। थाना की स्थिति देखा जाए तो थाना में बिना पैसा से FIR नहीं होता है। आज बाढ़ का समस्या है, तिरैया में करीब 10 पंचायत बाढ़ से घिरा हुआ है, लेकिन सरकार अभी तक कोई सुधि नहीं ले रही, जिसके चलते आज तिरैया प्रखंड में हम लोग पूरे जनता के सामने प्रदर्शन किए हैं और जानकारी दिए हैं कि यह सरकार निकम्मी है। जिस सरकार में महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, वहाँ के पब्लिक कैसे रह सकता है। यहाँ भाजपा का विधायक है, कभी भाजपा का विधायक प्रखंड में या किसी भी गांव में नहीं जाकर सुधि लिया है। आज बाढ़ की समस्या है, सरसावा है, गद्दी महुआई है, खाप है, घोड़ा है, कावना है, परचिलवा है, ललबेगिया है, और चले जाइए वहाँ पर कुलवाड़वा है, तमाम जगहों बाढ़ की स्थिति भयानक है। यहाँ तक कि मोमबत्ती और जो प्लास्टिक सरकार द्वारा राहत कोष से दिया जाता है, एक भी नहीं दिया गया है। कल जिला मुख्यालय पर तमाम 2700 प्रखंड के लोग पहुँचेंगे और कलेक्टर के बताएंगे कि आप अगर विधि व्यवस्था पूर्वी चंपारण का ठीक नहीं किया तो पूरे पूर्वी चंपारण का चक्का जाम होगा। सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से बोला कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, बिहार की सरकार यहाँ के पुलिस पदाधिकारी चला रहे हैं। तो हम लोगों को लड़ाई नीतीश कुमार से नहीं है, नीतीश तो खत्म, हमारी लड़ाई है यहाँ के पुलिस प्रशासन को, जिन्होंने आम आवामों को, गरीबों को, मजलूमों को फंसा कर जेल के अंदर बंद करते हैं, पैसा वसूलने का काम करते हैं। सत्ता पक्ष का ये मानना है कि तेजस्वी यादव अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए सब कर रहे हैं। देखिए, सत्ता पक्ष का क्या मानना है नहीं मानना है वो पूरे बिहार की आवाम देख रही है। हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है, हमारी पार्टी का विजन है कि हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव का ये विजन है कि हम आम आवाम तक, जो गांव समाज के अंतिम पायदान के लोग हैं, जिन तक जो गवर्नमेंट की सुविधा है पहुंच नहीं पाती है, उसको वहां तक पहुंचाना है, आम आवाम के दर्द को सुनना है। उसी को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की जो ये गवर्नमेंट है, और बार बार ये सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं कि हमारी डबल इंजन की गवर्नमेंट है, तो डबल इंजन की सरकार में जो महंगाई व्यापक रूप से जो अपना पंख पसार रहा है, आप पेट्रोल का कीमत 100 रुपये के ऊपर हो गया, डीजल 100 तक पहुंचने वाला है, 100 रुपये पहुंचने वाला है, 200 रुपये लीटर सरसों का तेल हो गया है, लोग के थाली से हरी सब्जी तेल दाल सब खत्म हो गया है, और महंगाई की मार और कोरोना की वजह से जो लोग बेरोजगार हुए हैं, ऐसे के लोगों में दिक्कत है, और उसके ऊपर से जो इतनी महंगाई है, इस महंगाई से गाँव समाज का लोग और दैनिक मजदूरी करने वाला लोग अपने आप विचलित हो चुका है। बीजेपी के साथ अलायंस में जिस राज्य में गवर्नमेंट है वो सरकार पूरी फेल है, और इसका उदाहरण आज आप देख सकते हैं, पूरे बिहार में RJD का जो आह्वान हुआ, तेजस्वी यादव जी का आह्वान हुआ है कि हम लोग महंगाई को लेकर के धरना प्रदर्शन और जो प्रदर्शन हो रहा है, इससे आप देख सकते हैं कि कितना लोगों में आक्रोश है। आज जनता इतना त्रासित है, चाहे वह करूते लोग, चाहे आज पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है, इससे जो है इतना जनता त्रासित है कि अगर अभी नजदीक में वोट रहता तो इस निकम्मी सरकार को पटना और दिल्ली दोनों जगह से उखाड़ फेंकती, लेकिन कारण है कि अभी चुनाव नहीं है, लेकिन इसका खमाजिया नीतीश कुमार को और मोदी जी को भोगना हुआ है। डबल सरकार है, लेकिन नीतीश जी नीचे का इनका रिंग डाउन हो गया है, ऊपर जो है मोदी जी का हेड गंदा हो गया है। आज पेट्रोल 100 से ऊपर फान गया, 105 प्लस हो गया।
आ देखिए कि अब जो रह गया कि अब कमजोर आदमी के लिए मोटरसाइकिल रह नहीं गया। गरीब आदमी का पेट्रोल से क्या लेना देना, गरीब आदमी तो साइकिल पर चलेंगे। काहे नहीं, अगर मान के चलिए हर गरीब जो है अपने घर में एगो मोटरसाइकिल रखा हुआ है ताकि कोई खुदा खास कब घर में इमरजेंसी हो जाए तो मोटरसाइकिल रखा हुआ है ताकि जो कभी जरूरत पड़े तो जाए। तो 100 रुपया जो है उसको होगा तब तो गाड़ी में तेल भराएगा और आगे महे जाएगा। दूसरा बात यह है कि देख रहे हैं कि अनाज का भाव है ये नहीं है, खाद का भाव बढ़ गया, प्लस जो है आलू 40 रुपये केजी हो गया, हरा सब्जी 60 रुपये केजी हो गया, अनाज का भाव कोई है ये नहीं है। मोदी जी चुपचाप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, गरीब मर रहा है, राशन पताई का दाम उसी तरह बढ़ रहा है, जो गेहूँ धान इन सब का महंगाई बढ़ा ये नहीं रहा है, उस अपना पेट भरने का चक्कर में है, उसमें लोग मर रहा है, घुसखोरी है, जहाँ जाइए जहाँ दलाली वाला काम है।